तो ये है अल्फा एसएमपी, जिसमें इस छोटी सी जगह की वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस जगह को साफ हमारी ओपोनेंट टीम ने किया था, बट इस पे सारे बिल्ड्स हमारे, इसी वजह से डिसाइड नहीं हो पा रहा था ये जगह किसकी है। इसीलिए एक जज को बुलाया जाता है एंड हमारी ओपोनेंट टीम ये केस जीत जाती है। लेकिन हम अपनी मेहनत को इस तरह जाया थोड़ी ना जाने देंगे, तो हमने भी एक बहुत खतरनाक सा प्लान बनाया और उस जगह को वापस ले लिया। और जैसे उनकी टीम के ओनर को इस बारे में पता चलेगा, देखते हैं कि वो आगे से क्या करते हैं। हेलो आवास, बोलो क्या प्लान है यार? आरटीबी देखो, हमारा जो आर्मर है ना वो फुली मैक्स हो गया है, लेकिन हमारा बेस वैसा अच्छा नहीं है। आरटीबी ये पीछे की जगह एक्सटेंड कर लेते हैं। सही बात है, बस ये जगह वैसे भी काफी छोटी हो चुकी है और हमें बड़ा कर लेना चाहिए। चलो फिर काम स्टार्ट करते हैं। हेलो कोल्ड, क्यों बुलाया हमें? हेलो को छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ आरटीओ का आपने बुक क्यों दी? यार उसको बुक देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था यार। आपको पता अभी हमें वो जगह कितनी मुश्किल से मिली थी? यार देखो, अभी तुम दोनों की वजह से ये जगह हमारे हाथ से चली गई है। अभी तुम दोनों ही मुझे ये जगह वापस लेके दोगे। क्या कह रहे हो कोल्ड? वो जगह उनकी हो चुकी है, लीगली उनकी हो चुकी है वो जगह। नहीं नहीं, हम उनसे वो जगह वापस लेंगे, लेकिन ये काम बहुत रिस्की होने वाला है। हेलो कोल्ड, व्हाट्सअप कैसे हो दोस्त? गेट पे आओ ना जरा, हम आपको बताते हैं व्हाट्सअप। जबकि ये फैसला हो चुका था कि ये लीगली जगह हमारी है, तो आपने धोखे से यार जोर से जगह क्यों छीनी? धोखे से नहीं, बुक से ली है। कोल्ड ज्यादा बहस ना करना, बात खत्म हो चुकी है, जाओ यहाँ। आपने जोर से धोखे से ये जगह छीनी और आज इसका हम फैसला करके जाएंगे। कैसे करोगे फाइनल? समझ रहे, मैं अकेला आया हूँ फाइट करने। आया जरूरत नहीं है आटो, यहाँ पे मैं लड़ने नहीं आया, यहाँ पे मैं आपको चैलेंज देने आया हूँ। कैसा चैलेंज? चैलेंज ये है, आप और मैं पीवीपी करेंगे। अगर आप पीवीपी में जीत जाते हो तो मैंने इन दोनों टीम में से एक टीम में आपको परमानेंट दे दूंगा, जिसको आप अपना प्रिजन में बंद कर सकते हो। भाई इससे कोई मौका ही नहीं है। क्या मतलब? स्कैम किया था ना, हम इसको अपनी कैद में लेंगे। भाई ओ, मेरी पूरी बात नहीं हुई अभी, मेरी पूरी बात सुन। अगर मैं जीतता हूँ तो ये जगह मेरी हो जाएगी। हाँ आप बोलो। वैसे भी हम लोग जीत जाएंगे भाई। यार छोड़ो भाई, अभी रात है, सुबह होने तक का टाइम है, जो तैयारी करनी है कर लो। सुबह यहाँ पे मन विमन करने वाले, ठीक है? ओके आरटीओ भाई, बोलो। चूरेट निकल चुके हैं, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई बस रेडी हूँ ऑलमोस्ट। क्या लगता है आवास में लोग कोई चीटिंग तो नहीं करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, अगर चीटिंग करेंगे तो फिर हम भी इधर खड़े होंगे, मार देंगे। सही, अच्छा आइडिया। चलो आवास, उनको खत्म करने का टाइम आ चुका है, और अब या तो मैं उनको हरा के प्रिजनर साथ लाने वाला हूँ, या तो मैं इस जगह को हमेशा के लिए खोने वाला हूँ। 3-2-1 गो। यार वो गलती से मर गया भाई। ये तो तुम लोगों का शुरू का वो है, स्किल है। आपस की फाइट में बीच में जानवरों को लाजमी मारता होता है। घोड़ा नहीं मारना चाहिए था बास, क्यों मारा यार घोड़ा आपने? यार व्हाट, यू आर गोना डाई मैन, यू आर गोना डाई। अपनी घर चक्कर लड़ता, इतनी जल्दी आर्मर कैसे गया भाई? यार आर्मर कैसे टूट गया मेरा? हाय हाय, शील्ड भी गई। जी जी, यहाँ पे अपना चैम्बर सेट कर लो। अगर आरटीओ मुझे मार देता है ना और वो आपको प्रिजन में लेके जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे टीपी कर दूंगा। तो जैसा कि कोल्ड हमारे बीच वादा हुआ था, अब इन दोनों में से एक बंदे को हमें देना पड़ेगा आपको। मैं उधर आ जाऊँ ना फिर मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ मैं बस पूछने वाला हूँ। अगर इन दोनों बंदों में से मैं अगर आपको एक बंदा भी नहीं देता तो आप क्या कर लोगे? अगर आपने उस एग्रीमेंट को तोड़ा तो एग्रीमेंट तोड़ने की सजा तो आप जानते ही हो, सर्वर से बैन हो जाओगे। तीनों का एग्रीमेंट यार, एक महीने के लिए। और किसको लेना चाहोगे आप? यार थोड़ा सा साइड में ना, एक बंदे से बदला लेना था आपने, और उसका नाम है जी जी। आर्थोर के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार आर्थोर अगर हमारे पास आएगा तो वैसे ही सर दर्द है, अगर उन लोगों के पास रहेगा तो वो जितनी गलतियां करेगा उतना फायदा हमें मिलेगा। तो जीजी को अपनी तरफ करना ऐसा। ओके तो फाइनली हमने फैसला कर लिया, हम लेने वाले हैं जीजी को। जीजी तरह जाओ यार, शर्माओ मत। हम लोग इधर शादी नहीं होने वाली, शर्माओ मत। आप बस जीजी आप चले जाओ, अपने साथ साथ हमें भी बैन करवाओगे। नहीं क्या मतलब जीजी, आपको तो आना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लेके जाऊंगा। अब आज प्रिजन रेडी कर दिया था ना अपने ऊपर, तो मैंने स्पेशल प्रिजन बनाया है। चलो जी जी निकलो यहाँ से, आगे चलो आगे। ये तो आज बैन होने वाला है, आर्मर उतार दो। सबसे पहले अपना आर्मर उतार के यहाँ पे सारा सामान अपना रखो। देख रहे हो आपकी वजह से मेरे दोस्त को भी मारे। वेट, इसको रिस्पॉन्स सेट करने दो। जी आप अपना सामान लो, वापस जाओ, आर्थोर को इधर भेज दो, जल्दी करो। और यहाँ पे मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, बिकॉज जी जी बहुत आसानी से मान गया था, और इसी वजह से मुझे उनपे शक हुआ कि उन्होंने कहीं पल चैम्बर ना लगाया हो। बाद में बताता हूँ क्या बात है, हमें ये करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी करो आर्थोर, जल्दी आओ आपको, वरना तीनों को बैन करवा देंगे। जल्दी से आवाज आप इसका आर्मर उतारो। आवाज आपसे एक बात बोलनी है मेरे को, इसका प्रेशर में थोड़ी एक्सरसाइज करो ना, बहुत मोटा हो गया। रिस्पॉन्स पॉइंट सेट करो, रिस्पॉन्स पॉइंट सेट करो, जल्दी। क्या बैन करने वाले, बैन
जितने आरो बजेंगे उतने आपके फंस जाएंगे। जल्दी चलो आराम से सीधा, वो जो आपको सामने लेजर बीम नजर आ रही है उसकी तरफ चलो जल्दी से अंदर। चल तेरी तो भाई, ऐसा ना करो ऐसा ना करो। ओ भाई ये क्या आठवीं, गलत कर रहे हो आप, आठवीं गलत कर रहे हो यार। आठवीं अब मुझे बताओ, हम तो जीजू को लेने वाले थे ना, तो आपने यार को क्यों लिया? सबसे पहली रीजन तो ये है कि आरजोर वो बंदा है जिसने स्टार्टिंग से बिट्रे करके मुझे इतना वीक किया था। सेकंड नंबर पे उनकी स्ट्रेटजी थी कि क्या पता उन्होंने जीजू का चैंबर लगाया हो और वो बाद में जैसे हम प्रिजन में डालने उसको टीपी कर ले। लेकिन आरजोर का तुमको पता भी नहीं था। माइनिंग फिटिक यार, अपडेटेड बीकन बहुत अच्छा है यार वैसे जो भी बोलो। तो गाइस फाइनली हमने आरजोर को सक्सेसफुली प्रिजन में ट्रैप कर दिया हुआ है। अब हम जाते हैं जल्दी से अपने अधूरे काम को मुकम्मल करने, जो क्या है इस जगह को एक्सटेंड करना। यार टूवी मैं तो अभी बहुत थक चुका हूं, कल करें? हां ठीक है आप जो, फिर मैं सारी बोल के लिए कर लेता हूं, कल आके फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। सही है, द नेक्स्ट डे जल्दी सर ज्वाइन करो भाई। ये देखो क्या हो गया। क्या हुआ भाई? अरे भाई ये किसने किया है? अब्बास इसके नीचे देखो, वो चेस्ट बचे हमारे, इसके अंदर से सामान सारा निकालो। किया किसने है ये भाई? सारा लिटरली तबाह कर गया मेरे। जब मैं रात को सर्वर पे था उस टाइम अकेला आरजोर था, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि कौन आया था सर्वर पे। भाई चलो मैं कंसोल से चेक करवाता हूं भाई, मेरे जाने के बाद रात को सर्वर पे कौन कौन आया था। वो तो कह रहे सिर्फ आरजोर था। सही से खुद जाके उन लोगों के स्क्रीनशॉट में जाके देखो। हाँ यार सिर्फ आरजोर था सर्वर पे, मरा तो नहीं था ना? देखो नहीं आरजोर डाइड आया था वैसे एक बार, लेकिन फिर भी यार एक बार तसल्ली के लिए से पूछ लेते हैं। जिसने भी हमारे बिल्ड तोड़ने की हिम्मत की है ना भाई, अब तो रूल तोड़ बैठा, वो बहुत बड़े वाले रूल तोड़ बैठा भाई। एक ब्लॉक तोड़ने का था, इसने पूरे सारे बिल्ड तोड़ दिए भाई। और अगर कोल्ट आप हार जाते हो तो हम हमेशा के लिए आठों के प्रिजन में रहेंगे क्या? अभी यहीं से तो रियल प्लान स्टार्ट होने वाला है। मैं वहाँ पे जान मूझ के मरूंगा ताकि हम उनका बेस खत्म कर सकें। लेकिन हमने किसी का बिल्ड तोड़ा तो हमें एसएमबी से परमानेंट बैन मिल सकता है। एंड अगर आपको बैन होना है तो हो जाओ, मैं बैन नहीं होना चाहता। उनका बिल्ड हम नहीं बल्कि आठों का टीममेट अब्बास तोड़ने वाला है। देखो आरजोर, अब्बास और आरटीओ ना सर्वर के अंदर बैठे हुए हैं और अब्बास और आरटीओ से ना पहले मैं चला जाऊंगा, और जब अब्बास और आरटीओ लोग चले जाएंगे ना तो आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ओके क्योंकि अगर मैं सर्वर में रहता हूँ तो उनको शक हो सकते कि ये काम हमजा ने किया है। लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूंगा? एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कभी लाइक कर देना, एंड इतना अच्छा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम 60 के सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से 100 के करने हैं, इसी वजह से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आरजोर अभी देखो आरटीओ काफी देर से बैठा हुआ है, मुझे लगता है आरटीओ जाने वाले अभी, तो मैं भी आपको यहाँ पे चैम्बर के पास अभी टीपी करने वाला हूँ। मैं रेडी हूँ पूरी तरह से। ओके अभी आरटीओ के जाने के फौरी बाद आपने ना अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। ओके 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 5 minutes later ओ आरटीओ सर्वर से जा चुका है, अब मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करूंगा। ओके पूरी जगह को तबाह कर दूंगा मैं, ना ये इनकी रहेगी ना हमारी। हम बहुत शौक है ना हमसे जगह छीनने का, अब बता चलेगा मुझे प्रिजन में ट्रैप करेंगे। और मेरे पास फ्रंटर सीट लिया, मेरा फ्रंटर सीट टूट गया। ओके ओ फ्रंटर सीट लिया और कुछ पड़ेगी। ओ टीएनडी भी है यहाँ पे। ओके टीएनडी से पड़ेंगे हम। ओके नाइस नाइस, सब चीजें बिगाड़ दूंगा इनकी। ओके एवरीथिंग इज डन। आरजोर को बुलाना पड़ेगा। हेलो आरजोर, जल्दी से गेम को ज्वाइन करना। क्यों क्या हुआ? एक मिनट आया, बताते हैं ना आपको क्या किया आपने। आपका रात को एक डेथ मैसेज आया था मरने का। वो हंगर से मरा था मैं। क्यों? मैं कुछ खाया नहीं था, मैंने सोचा कि शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ मरने के बाद। ड्रामे कर रहे हो ना। रात को सिर्फ आप सर्वर पे ऑनलाइन थे और उसी टाइम हमारे सारे बिल्ड को किसी ने आकर जला के फोड़ दिया। भाई मुझे एक चीज बताओ, मैं माइनिंग फिटिक के साथ कैसे तोड़ूंगा आपका बिल्ड और निकलूंगा कैसे इस प्रिजन से? एक चीज बताओगे? सारा का सारा जला पड़ा है यार, लिटरली सब कुछ जला दिया। सबसे पहले आरजोर को इन्होंने वहां से पल चैम्बर किया होगा और उसके बाद यहाँ पे आके वो फोड़ के अपने आप को मार के ताकि हम बेशक ना हो अंदर चला गया होगा। अभी हमें आरजोर को उसके प्रिजन से किसी तरह निकलवाना पड़ेगा, और वो निकल के जैसे ही अपने मेन बेस की तरफ जाएगा हमें उन लोगों का मेन बेस मिल जाएगा, और वहां पे जाके हम क्या करने वाले हैं आपको भी पता है। शक नहीं होना चाहिए आप पे इसको। ओके चल मैंने पानी डाल दिया। नाइस नाइस नाइस, निकलो यहाँ से। मारा छुप छुप के चलो। निकल गया क्या? किधर गया भाई? सामान तो ले लिया इसने। ओ ठीक है ठीक है, इधर 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 है। और हम तो सोच रहे थे आरजोर का पीछा करते करते हमें उसका सीक्रेट बेस मिलेगा, बट हमें क्या पता था हमें उनका मेन बेस मिलने वाला है। आरटीओ भाई व्हाट द हेल, ये क्या बनाया हुआ इन्होंने? ये देखो भाई पूरा कॉपी किया हमारा बेस, और इतना बड़ा भाई। इन्होंने अपनी जगह बना ली थी, हमारी जगह तोड़ना चाहते थे असल में। अब जाके समझ आई भाई मुझे। मैं तो चाह रहा हूं जल्दी से इनका भी जला देते हैं, क्या बोलते हो? इन्होंने हमारा जलाया ना, इनका भी जला देते हैं, ये फाइनल हल है। किधर क्या मेरी इनविजिबिलिटी गया? पागल हो? ओ शिट भाई मुझे भी बनना पड़ेगा आर्मर। अच्छा जी कोल्ट, हमारा बिल तोड़ के यहाँ पे अपना बना के बैठे हो, बिल तोड़ने की सजा भूल के अब आप सबको सर्वर से बैन खाना पड़ेगा। यार आरटीओ अगर आपके पास कोई प्रूफ पड़े हुए तो दो, हम लोग सर्वर से बैन खेलने के लिए रेडी है। आरटीओ को तो ये आपका पैसा अब्बास ने तोड़ा है। भाई मैं क्यों तोड़ूंगा भाई? उधर मैंने इतने बिल्ड बनाए भाई, सारी वॉल मैंने बनाई, उधर घर मैंने बनाया, मैं क्यों तोड़ूंगा खुद का बेस? अब्बास यार मेरे इतनी मेहनत से, आपको भी पता है कितनी मेहनत से मैंने आपके साथ वो बेस बनाया था, मैं खुद का बेस क्यों तोड़ूंगा? आपने सुबह मुझे
सर्वर पे बुलाया था और सर्वर पे उस टाइम कोई भी नहीं था, सिर्फ आप थे। आपके खुद तो नहीं सब कुछ तोड़ गए? मैं सुबह वो वॉल तोड़ने के आया था, आपने कहा वॉल तोड़ दो, मैं वो वॉल तोड़ने के लिए आया तो सब कुछ टूटा हुआ था। कैसे कर सकते हो यार आप ये? और आज के बाद ना यहाँ पे ना बिना प्रूफ के ना आना, नहीं तो फिर नहीं बचोगे। ये मुझे लगता है हमारे बीच आपस में लड़ाइयां तो नहीं डलवाना चाहेगा भाई, लड़ाई बनाएंगे भाई, मैं क्यों तोड़ूंगा भाई सब। मतलब अगर इन लोगों ने वाकई में बेस तोड़ा है ना तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसका फैसला सिर्फ अदालत से होगा। अब आप तीनों को प्रूफ तो सीधा अदालत में मिलेगा। चलो मिलते हैं फिर कोर्ट के अंदर। यार अब क्या प्रॉब्लम हो गई यार तुम लोगों की? हो यो ओपी हो कि इन लोगों का किसी ने बेस तोड़ दिया है और ये इंजाम हमारे पे डाल रहे हैं। अच्छा किसने तोड़ा बेस? आपको पता नहीं सर्वर में जो बंदा भी बिल्ड तोड़ेगा उसकी क्या सजा है? उसको बैन मिलेगा। यस, और यही काम इन लोगों ने किया है। रात को मैं और अब्बास पीसफुली सर्वर से गए हैं और सुबह आके देखा तो हमारे सारी तोड़ फोड़ हुई पड़ी है, हमारा पूरा एरिया जला पड़ा है, हर चीज खत्म हुई पड़ी थी। जब हमने कंसोल पे चेक करवाया तो रात को सिर्फ इसका टीममेट आरजोर सर्वर पे ऑनलाइन था। आरजोर कह रहे हमने इसका बेस तोड़ा, अब तो बोले हमें ये प्रूफ देते हम बैन होने के लिए तैयार है। और जहां तक बात है आरजोर की, आरजोर को इन लोगों ने ऑब्जिडियन केज में बंद किया हुआ था जिसके अंदर माइनिंग फिटिंग तक लगी हुई। लेकिन भाई आपने उसका चैम्बर भी सेट किया हो सकता है, आप उसको चैम्बर करके आराम से निकाल नहीं सकते? वो तोड़ के वापस क्या मर नहीं सकता भूख से? तो प्रूफ दो ना, अगर हमने चैम्बर से किया तो प्रूफ दो। जज साहब मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलो। श्योर भाई मैं जज हूं, आप क्यों बोलो? बोलो सॉरी यार। कितने भूखे हैं लोगों ने ना, उस बेचारे को प्रिजन के अंदर खाना तक नहीं दिया, वो हंगर से मर गया। बोलो बोलो। ने उसको आलू दिए थे खाने के लिए लेकिन उसने नहीं किया, हमारी क्या गलती? और मुझे लगता है लोगों ने पल चैम्बर किया उसे और मर के वापस उसको प्रिजन में डालने के लिए इनके लिए पूरी चाल थी। वो भी आप तो समझ सकते हो ना, वो हमें रिकॉर्डिंग थोड़ी ना दिखाएंगे जो इन्होंने किया। यार चाल थी तो प्रूफ दिखाओ ना। अगर आप मेरे को प्रूफ दे देते हो तो मैं एक्शन लूंगा, वरना नो प्रूफ नो एक्शन। यार अभी रूल की बात वो बंदा कर रहा है जिसने कुछ दिन पहले हमारा बेस जो कासल की तरह पूरा उसको इसने ऑब्जिडियन से कवर कर दिया था, और इस एसएमपी के अंदर ना हमारा एंड अभी तक खुले ना कुछ, और इससे पूछो इसने इतना ज्यादा ऑब्जिडियन कहां से लिया? क्या मतलब भाई, माइनिंग से लिया था और कहां से लिया था? 25,000 ऑब्जिडियन माइनिंग से लिया था। इतने नूबड़े तो हम लोग भी नहीं है, हमारे को भी इतना साल हो गए माइन का खेले हुए भाई, साफ साफ लग रहा आपने ड्यूपिंग की थी। व्हाट द हेल, ये तो एलिगेशन लगा रहे हो भाई, प्रूफ है कोई? ड्यूपिंग एलिगेशन? तो फिर आप हमें बता दो आपने ऑब्जिडियन किस लिया था, तरीका बता दो हमें, हम लोग हमारे को भी चाहिए ऑब्जिडियन थोड़ा सा यार। भाई माइन किया था 25,000, क्या हो गया थोड़ा सा तो है। तो अगर आपने माइन किया तो आपने अपनी वीडियो में शो किया होगा, तो मेरे को अभी आपकी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन अल्पसंख्यक की वीडियो कोई मेंबर नहीं देख सकता, रूल नहीं था। जज सब कुछ कर सकते। तो अब्बास और मैं इस ग्लिच को यूज करके बहुत ज्यादा ऑब्सीडियन निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने आरटीओ की वीडियो चेक की एंड मतलब मैंने क्या ढूंढा है, कोड गेमर इस उनके अब हैरान हो जाओगी, आरटीओ ड्यूप किया था। व्हाट द हेल आर यू सेइंग मैन? आरटीओ आपको ये भी पता है कि जो बंदा रूल तोड़ता है उसके साथ क्या होता है? जो जगह इसने हमसे धोखे से ली थी वो भी इसको वापस करनी पड़ेगी। ब्रो आप वापस जाके वहां बैठो जहां से आए हो, एग्रीमेंट कर दिए थे आपने। एंड आरटीओ साथ में आपने रूल तो ब्रेक किया ही किया है, तो इस वजह से आपको इस वजह से 10 दिन के लिए बैन, इन्वेंटरी क्लियर एंड एंडर चेस्ट क्लियर होने वाली। आप यार रुपये ज्यादा नहीं हो रहा क्या? रूल है भाई, अगर आपने गलती की है तो अभी आपको ये। अब्बास की तरह अब्बास की भी लड़ गई क्या? ठीक है ओपियो, मैंने गलती की है, मैं हर पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, लेकिन जो इन लोगों ने हरकतें की हैं उनका कौन जिम्मेदार है? आई वांट प्रूफ आरटीओ, नो प्रूफ नो एक्शन फ्रॉम माय साइड। अच्छा ओपियो आप एडमिन से बात करो कि आरटीओ को बैन करने के लिए या मैं करूँ? ये तो चढ़ सी अभी कर लो क्योंकि आपका एडमिन है ना। तुझे तो भाई मैं बाद में अच्छे से बताऊंगा ना, आज तो इतना उड़ रहा है ना। अगर उसको ना बुलाया तो बैन भी ना खाता। व्हाट? Oh my God! Let's go. चलो 10 दिन बाद मिलते हैं आठियों। Okay. Okay guys, after 10 days, I am back in LPSMP. Hello Abbas, are you here? Hello Artyom bhai, welcome back. Oh, आपने सारा rebuild किया है क्या Abbas? यार कुछ करने को तो था नहीं, मैंने यही बना लिया। यार क्या कर दिया भाई आपने OP? मैं आपको एक मेहमान से मिलाता हूँ। इसका ओह कैमल का बच्चा क्या? डोरा? ये मेरा दोस्त है यार। तो Abbas जब आपकी लाइट गई थी आपको पता ना उसके बाद क्या हुआ? हाँ। अब टाइम है उन लोगों से बदला लेने का। हाँ कोल्ट बोला था ना बदला लेकर आऊंगा। देखो कोल्ट, जो 3 रूल आपने तोड़े हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं भी एडमिन के पास जाके उसको ये ना बताऊं कि कंसोल में देखो कौन सी 3 एडवांसमेंट्स आई हुई हैं, तो या तो ये जगह पूरी की पूरी हमारे हवाले कर दो, या फिर 3 रूल्स तोड़ने की वजह से 30 दिन का सर्वर से बैन खाने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ से आ गया यार उसको, भगाओ यहाँ से। कोल्ट अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो आप सर्वर से 30 दिन के लिए चले जाओगे। जाए हम फिर यहाँ से, बताऊं जाके एडमिन को सब कुछ? आई नो गाइस आप लोग भी यही सोच रहे हो कि कोल्ट ने कौन से 3 रूल तोड़े हैं। तो ये बात स्टार्ट होती है जब आज से कुछ दिन पहले एलपीएसएमपी में एक न्यू मेंबर आते हैं जिनका नाम है मिस्टर गेमर टी, और कैसे हम उनको यूज करके कोल्ट से इस सर्वर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल को तोड़वाते हैं। तो ये जानने के लिए कुछ दिन पीछे चलते हैं। अब्बास भाई मुझे कोई आर्मर वगैरह चाहिए था। आर्मर मेरे पास? वेट भाई, ये आपके ये सेंटर में क्या पड़ा है? ओह शिट, कुछ देखा तो नहीं ना आपने? नहीं 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 भाई, ये मैं सबको बताने लगा यार, ये तो चीटिंग है यार। प्लीज भाई किसी को कुछ मत बताना यार, प्लीज यार। कोल्ट आपको पता है मैंने अभी अब्बास की अंडर चेस्ट में ड्रैगन एग देखा है। अबे पागल,
नहीं होगी क्या? ड्रैगन एग देखे भाई? नहीं झूठ नहीं बोला भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा यार, उसकी अंडर चेस्ट में ड्रैगन एग था। मैं कह रहा हूँ हमें अभी एंड में जाके ना देखना पड़ेगा भाई, उसने ले लिया हुआ पहले से जाके ड्रैगन एग। यार उसको ड्रैगन एग कहाँ से आ गया, ये क्या बात हुई यार? उसने भाई जो भी मुझे लगता है उसने पहले जाके ड्रैगन मारा है, हमें जल्दी जाके देखना पड़ेगा यार। अगर देखना हम जाएंगे ना ड्रैगन को मारेंगे, हमें ड्रैगन एग नहीं मिलने वाला। अंडर चेस्ट में था उसकी? हाँ हाँ अंडर चेस्ट में था भाई, मैंने खुद देखा है यार। यार ये तो लीगल है, इनको तो बैन अभी तक मिल जाना चाहिए, ये लोग लेके घूम रहे हैं अंडर ड्रैगन का भाई। इसीलिए उनको प्रूव करवाने के लिए ना हमें जाकर ड्रैगन को मारना पड़ेगा यार। चलो फिर आओ यार, देख ओ स्टार्ट हो गया भाई, चलो जल्दी अब यार, चलो सर रिस्क है यार जाने में, लेकिन यार रिस्क नहीं है भाई, जाना पड़ेगा यार। चलो आ गए भाई, देखना अब हमें अंडा कोई नहीं मिलना। अबे मिलेगा यार। कैसे? अरे भाई क्या है यार, मैंने यार देखा था भाई उसकी, ये कैसे हमें कैसे मिल गया यार ये? यार पागल तो नहीं यार, अभी उनको पता लगा रहा मेरे को सीधा सीधा बैन मिलेगा यार, आपको भी मिलेगा बैन, मेरे को क्या टेंशन की बात नहीं है, टेंशन ना लो, इसको लेते हैं निकलते हैं यहाँ से। फाइनली मिल गया, चलो निकलो निकलो निकलो, सब कुछ ऐसे रिपेयर करके निकलना पता ही नहीं लगे। एंडर चेस्ट लाए हो ना, एंडर चेस्ट में सामान डालते हैं, मरते हैं सीधा वापस चलते हैं। और शुक्र करो मेरे पास पड़ी हुई थी, नहीं तो काम हो जाना था। ओ मैं गया, मैं मरने वाला हूँ, गया। ड्रैगन एग कहाँ पे है? काम करो मेरे को दे दो। अच्छा तो गेमर्टी आप कल से LPSMP ज्वाइन करने वाले हो ना? यस। तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि आप हमारी टीम में आने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अभी कोल्ड की टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा तो ये डिसाइड हुआ था ना कि हम एक टीम में रहेंगे। आपको कोल्ड की टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी ताकि हम कोल्ड से अपना रिवेंज ले सके। ओके अभी हम कोल्ड के लिए एक ऐसा जाल बिछाने वाले हैं जिसमें वो बहुत बुरा फंसने वाला है। आर यू रेडी? यस भाई। फर्स्ट नंबर वन, आप एंड के अंदर गए हो। दूसरा रूल, आपने एंडर ड्रैगन को मार दिया है, ओह माय गॉड। और तीसरा रूल, आपने ड्रैगन एग को ले लिया है जबकि एंड पूरे सर्वर में लॉक्ड है। एंडर ड्रैगन एग तुम्हारे पास भी तो है ना? और भाई हमारे पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक एनविल था जिसका रिसोर्स पैक एंडर ड्रैगन एग वाला था, आपको उल्लू बनाने के लिए। यार गेमट्री ये क्या बोल रहे हैं यार ये लोग, मुझे आप एक बात बताओ, तुम लोग ये बात बताई किसने? थैंक्स टू योर बेस्ट फ्रेंड आरजोर, प्लीज आरजोर। अच्छा कॉल, सिर्फ एक मिनट आपके पास सोचने के लिए, अगर आपका ना कोई जवाब आया तो हम यहाँ से आराम से चले जाएंगे और जो हमने आपसे बोला वो कर डालेंगे। थोड़ी बात करने दो यार। भाई बात सुनो, बात सुनो। जला देता हूँ ड्रैगन एग, जला देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। ओके आर्टी भाई, वो एडवांस में मत ले लेना। पहला टास्क आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सेकंड टास्क है अभी इस जगह को हमारे हवाले कर दो या बैन हो जाओ। मेरे ख्याल से यार बैन होने से अच्छा है कि हम इनकी जगह वापस कर दें। यार गेमटी क्या बात कर रहे हो, कोल्ड हम लोगों से इन लोगों ने वो वाली जगह भी छीन ली, अब ये जगह हमारे पास लास्ट बची, कितनी मेहनत से बनाई है ये जगह। आर्थर पहले तो आपकी जगह छीनी है, लेकिन इस बार आपका टीममेट छीन लेंगे सर्वर से। 5 मिनट्स यार। हाँ कर दो, इसके अलावा नहीं रहता भाई, बता रहा हूँ मसला हो जाएगा ज्यादा। अगर मैं 30 दिन के लिए बैन हुआ तो ये लोग और पार्ट हो जाएंगे यार। चलो आवाज लो, साइन कर दो यार। मैं ये पता लगा के रहूंगा किसने पता है उसको, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं ना, यार चलो लेट्स गो भाई, ये जगह भी आज से हमारी आवाज़ सबसे पहले लोगों के, लेट्स गो। अच्छा कोल्ट, इस बुक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप साइन कर दोगे तो मैं एडमिन को नहीं बता सकता, सॉरी।